विजय माल्या की राह पर चल पड़े हैं नोएडा के बिल्डर। नोएडा के नाम जिन आम्रपाली बिल्डर के सीएमडी अनिल शर्मा खुद को दिवालिया घोषित करना चाहते हैं, जिसके बाद नोएडा के सेक्टर 62 में आम्रपाली के कॉरपोरेट ऑफिस को एचडीएफसी बैंक ने कब्जे में कर उसको नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं जब ये खबर आम्रपाली के फ्लैट्स खरीदने वाले बायर्स को मिली तो वो आम्रपाली के ऑफिस पहुंचे और वहां बैंक का ताला लगा देखकर खुद को ठगा सा महसूस करने लगे। फ्लैट बायर्स का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई बिल्डर्स को दे दी है, ना तो उन्हें अभी तक फ्लैट मिला और ना ही अब पैसा वापस मिलने की उम्मीद सामने आ रही है। हमारा पैसा है, बैंकों का पैसा, सिर्फ हमारे पैसे से बिल्डिंग खरीदी हुई, हमारे पैसे के बेस पे इसमें बैंकों से भी लोन लिया हुआ। अल्टीमेटली सिक्योरिटी तो जीडीए की है, जीडीए के पास ही पूरी पेमेंट नहीं है। जिनका आप नॉर्म्स पढ़ेंगे इनका, तो इनको पेमेंट जो करना था दैट वो इनको 10 साल में करना था, 10 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना था। प्रॉब्लम यही है ना कि इनके पास इतने सारे लैंड बैग, इनके पास बहुत है, लेकिन सब लैंड बैग पे इन्होंने काम शुरू किया हुआ है। अब पोजीशन किसी का भी देने की हालत में नहीं है अब ये। बैंक तो नीलामी से अपना पैसा वसूल कर लेगा और प्राधिकरण अपनी जमीन वापस ले लेगा, ठगे तो सिर्फ निवेशक ही जाएंगे। अब सवाल ये है कि इन बायर्स को आखिर न्याय कौन दिलाएगा? देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए बोल बिंदास।